Hello everyone and welcome to my review of Bigg Boss Marathi 12th of June. आज पता था कि फैमिली डे होने वाला है घर के कंटेस्टेंट्स के फैमिली मेम्बर्स विल बी कमिंग एंड आई थॉट इज गोइंग टू बी अ वेरी इमोशनल एपिसोड. तो मैंने टिश्यूज़ वगैरह रेडी करके रखे थे लेकिन ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं हुए. सो द फर्स्ट पर्सन टू कम वॉज Aau'sSon अभिजीत. ही हैज़ गॉट अ ट्रेमेंडस पर्सनैलिटी आई मस्ट से और उन्हें सॉरी ही न्यू एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्ट्स टू से टू ईच ऑफ द कंटेस्टेंट्स. वेरी क्रिस्प, वेरी शार्प, वेरी इम्प्रेसिव. स्मिता को गार्डन एरिया में वो स्टैचू बन के खड़ी थी तो स्मिता को जाके बोला कि यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर डूइंग, यू शुड नो वॉट यू आर डूइंग. मतलब एक दिन तुम फूल जाके देते हो, दूसरे दिन उनको ट्यूबलाइट बोल नहीं को जाके ट्यूबलाइट बोलते हो. सो आई थिंक यू नीड टू यू नो जस्ट क्लियर योर हेड अबाउट वॉट एग्जैक्टली यू वॉन्ट. एंड स्मिता वॉज कम्प्लीटली बैफल, शी हैड नो क्लू वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट. उसके बाद वो अंदर घर जाके सबसे ही हैड अ वर्ड ऑफ एडवाइस एंड अ वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट फॉर एवरी वन. नंद किशोर के पास जाके भी वो यही बोला, सी आई डोंट नो वॉट हाउ मच यू नो ईच अदर. मला माहीत नाही तुम्ही कुठल्या पिक्चरमध्ये तुम्ही एकत्र काम केलं आहे. मला हे माहीत नाही की तुम्ही किती ओळखताय यांना. आय डोंट नो एनिथिंग ऑफ दॅट. बट वॉट आय नो वॉज वॉट एवर यू डीड दॅट डे जस्ट वेंट ओवर बोर्ड. आणि असं करू नका, ते त्यांना खूप त्रास झाला आणि ते मलाही लागलं, मलाही खूप त्रास झाला. सो दॅट वॉज व्हेरी नाईस. ही सेड इट इन सच अ वे यू नो की कोई और होगा ना नंदकिशोर. पता नाही नंदकिशोर पे क्या असर हुआ लेकिन कोई और होगा तो ही वुड जस्ट वॉन्ट टू यू नो द अर्थ टू स्वॉलो एट दैट मोमेंट. वैसा था, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया. इट वॉज वेरी नाइस, वेरी इम्प्रेसिव. आऊ को भी वो बोला कि ये इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर प्लेइंग इन अ ग्रुप, पण आता इट्स यू नो द टाइम हैज़ कम दैट यू हैव टू प्ले इंडिविजुअली. सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट. इट्स गुड दैट यू हैव गॉट पीपल टू टेक केयर ऑफ यू बट यू ऑल्सो नीड टू प्ले फॉर योर सेल्फ. सो ही वॉज वेरी पॉजिटिव, बहुत अच्छा था, वेरी इम्प्रेसिव एंड वेरी कॉन्फिडेंट मैन. उसके बाद अब हाँ, नाउ देयर वॉज वन इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड, द स्मिता मोमेंट ऑफ द डे. स्मित जब बिग बॉस रिलीज का आदेश देते हैं तो यू नो स्मिता इंस्टेड ऑफ गोइंग इनसाइड द हाउस एंड मीटिंग द गेस्ट, शी रन्स टू द कैमरा एंड देन शी सेज आता कोणतरी आलेलं इथे बाहेरून. त्यांनी असं मला काहीतरी असं प्रश्न विचारलं, मला प्रश्न नाही नक्की प्रश्न नाही पण असंच काहीतरी ते बोलले, ते मला काही ठीक कळलं नाही असं का बोलले. सो शी अँड शी हॅड अन एक्सप्लेनेशन. ओके, हर एक्सप्लेनेशन वेन शी गेव द एक्सप्लेनेशन वॉज अ लिटल बिट लॉजिकल आय कॅन से. शी सेड सी यू गिव अ फ्लावर टू अ पर्सन हुम यू कन्सिडर टू बी युअर फ्रेंड बट जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज युअर फ्रेंड इट डझंट मीन यू वुड टर्न अ ब्लाइंड आय टू ऑल दॅट पर्सन्स फ्लॉज. ऑन द कॉन्ट्ररी, यू वुड हेल्प दॅट पर्सन टू इम्प्रूव अँड बिकम स्ट्रॉंगर अँड दॅट्स वॉट आय वॉन्टेड टू डू. फिर वो अंदर आती है, दैट्स व्हेन शी रियलाइजेज दैट ये तो आऊ का बेटा है एंड शी गिव्स द सेम एक्सप्लेनेशन टू हिम. तो बोलता है या आई गॉट इट, आई गॉट योर लॉजिक बट यू नो जब यहाँ पे ट्यूबलाइट का टाइटल दिया था इट वॉज नॉट मेंट फॉर यू नो द वन, बिकॉज स्मिता ने वो PR का मेंशन किया था उस वक्त. इट वॉज नॉट मेंट फॉर दैट, इट वॉज मेंट लाइक फॉर समवन हु डजंट अंडरस्टैंड समथिंग इंस्टेंटली एंड टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू यू नो ग्रास्प वॉट इज बींग आस्क्ड और टोल्ड. सो दैट वॉज ए कॉन्टेक्स्ट. सो इसके लिए आई डोंट थिंक इट वॉज राइट बट ही वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन, अ थरो जेंटलमैन. उसके बाद स्मिता की मॉम आती है, इतनी चुलबुली सी, इतनी बातें कर रही थी, इतनी बातें कर रही थी कि फॉर सम यू नो देयर वर टाइम्स व्हेन आई रियली डिडंट नो व्हाट शी इज टॉकिंग टू होम. थोड़ा कन्फ्यूजन था. आऊ को जाके बोली यू नो यू आर माई रिप्लेसमेंट फॉर स्मिता इन दिस हाउस सो टेक केयर ऑफ हर. वो सबको जाके बोली. मेघा एंड सई को स्पेशली बोली यू नो शी माई डॉटर हैज अचीव्ड अ लॉट, शी इज़ बीन थ्रू अ वेरी बैड फेज आणि यू नो इन स्पाइट ऑफ दैट शी इज मैनेज टू कम अप इन लाइफ एंड अचीव सो मच ऑफ सक्सेस. म्हणून तुम्ही असं शब्द बोलू नका तिच्याबद्दल, म्हणजे ती कन्फ्यूज्ड आहे किंवा ते दुसरे शब्द वगैरे तुम्ही जे वापरतात ते असं काय बोलू नका.
बिकॉज शी इज़ वेरी सॉफ्ट, वो बहुत सेंसिटिव है तो उसको जो हर्ट हो जाएगी एंड ऑल दैट. इज कंटेस्टेंट्स के लिए येस, वेन एनीबडी कम्स इन फ्रॉम आउटसाइड इट्स एन इमोशनल मोमेंट बिकॉज ये बीन अवे फ्रॉम देयर होम्स एंड देयर फैमिली फॉर 2 months नाउ. तो इट्स बट नेचुरल दैट दे आर गोइंग टू बी इमोशनल वेन एनीबडी कम्स इन. सही, तो सुबह से यू नो जब आऊ का बेटा आके गया उसी वक्त से वो बोल रही थी कि इट्स गोइंग टू बी अ टफ डे, आई एम ऑलरेडी फीलिंग वेरी इमोशनल एंड लो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. थर्ड कम्स रेशम्स डॉटर, फुल ऑफ एनर्जी, चुलबुली सी यंग गर्ल, फुल चुलबुली मस्ती ही था. एंड शी वॉन्टेड टू एक्चुअली हैव मोर फन विथ मेघा एंड सई, लेकिन बिग बॉस ने रिलीज़ करने में काफ़ी देर की. शी ऑल्सो गेव लॉट ऑफ एनकरेजमेंट टू रेशम एंड ऑल्सो एप्रिशिएटेड एवरी वन. पण एक होतं सगळ्यांचं तेच होतं, तुम्ही सगळे खूप छान खेळताय, तुम्ही सगळे खूप छान खेळताय, दॅट इज वॉट एव्हरी वन केप सी. लास्ट में इट वॉज सईज मदर हू कम्स इन. यहाँ पे थोड़ा सा एक इमोशनल टच आया बिकॉज वो जैसे ही इंडोर से एंटर करती है सई गोज रनिंग एंड हग्स हर. दैट वेरी मोमेंट बिग बॉस ने स्टैचू का आदेश दिया, सो शी इज कॉट इन दैट मोमेंट. और उसके बाद सई की मॉम गोज अराउंड टॉकिंग टू एवरी वन एंड सई की मॉम सेम यू नो द सेम फैमिली ट्रेड, वही बचपना, चाइल्डिशनेस, एनर्जी, वो सब है. तो और वो आस्ताद को जाके बोलती भी है, आस्ताद यू हैव अ प्रॉब्लम विद द वे सई टॉक्स, यू हैव अ प्रॉब्लम विद हर वॉइस, विद हर टोन, बट दिस इज़ अ प्रॉब्लम इन आवर फैमिली एंड इट्स नॉट इंटेंशनल और डायरेक्टेड एट वन पर्सन. हमारे घर में हम सबको ये आदत है, हम सब इसी तरह बात करते हैं. सो यू प्लीज़ एक्सेप्ट हर द वे शी इज़, यू नो हर फ्रॉम बिफोर, सो आई वुड रियली एक्सपेक्ट दैट यू टेक मोर केयर ऑफ हर करके बहुत अच्छी बात बोली. एंड यू नो शी वॉज जस्ट अबाउट टू गो एंड स्पेंड सम टाइम टॉकिंग टू सईद कि बिग बॉस ने आदेश दे दिया कन्फेशन रूम में चले जाओ करके. एंड द मोमेंट हर मदर गोज इन साइड द कन्फेशन रूम, बिग बॉस सई को रिलीज का आदेश देते हैं एंड दैट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट. वो इतनी रो पड़ी और अंदर कन्फेशन रूम में उसकी मॉम भी मॉनिटर में देख रही थी कि क्या हो रहा है बाहर. दैट वॉज अ वेरी टचिंग मोमेंट. अब कल द सेम थिंग कंटिन्यूज, कल भूषण का बेटा आता नज़र आ रहा है. दैट्स गोइंग टू बी यू नो काइंड ऑफ यू नो व्हेन चिल्ड्रन कम यू फील मोर इमोशनल अबाउट इट. पुष्कर्स फैमिली वुड बी कमिंग, सो आई गेस वी माइट नीड द टिश्यू पैकेट टुमारो. आज ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी बट बेटर टू कीप इट हैंडी फॉर टुमारो, लेट्स होप सो. एक फन मोमेंट था बिग बॉस के तरफ से क्योंकि शायद पता चल गया था उनको कि एपिसोड में कुछ नहीं हो रहा है, बहुत बोरिंग हो रहा है. तो मेघा के साथ बिग बॉस का थोड़ा मजाक चल रहा था, यू नो शी हैड जस्ट कम आउट ऑफ द फ्रेश रूम एंड शी वॉन्टेड टू पुट ऑन हर माइक एंड बिग बॉस उसको स्टैच्यू का आदेश देते हैं एंड देन रिलीज बोलते हैं. द मोमेंट शी यू नो टेक्स द नेक्स्ट मूवमेंट इमिजिएटली स्टैच्यू. तो वो थोड़ा सा एक लाइट मोमेंट था विच बिग बॉस प्रोवाइडेड अस, दैट वॉज रिफ्रेशिंग फॉर द एंटायर एपिसोड. अदरवाइज कुछ दम नहीं था आज के एपिसोड में. लेट्स सी वॉट यू नो और हाउ टुमारोज एपिसोड इज, वेदर इज गोइंग टू बी यू नो समबडी कमिंग इन विद सम कॉन्क्रीट पीस ऑफ एडवाइस और एलिगेशन टू एनी वन इन सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली मेम्बर, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग. जैसे हम हिंदी बिग बॉस में देखते हैं यू नो वन फैमिली मेम्बर कम्स ऑल्सो दे गिव रियलिस्टिक एडवाइस टू ईच कंटेस्टेंट, दो एनकरेज बट एक रियलिस्टिक पीस ऑफ वर्ड होता ही है. या वो नहीं दिखाई दिया सो इट वॉज काइंड ऑफ विशी वॉशी. लेट्स होप इट इम्प्रूव्स एंड अंटिल देन गुड बाय, शुभरात्रि. बट बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप डोंट फर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.